वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में जो आपका दिन बना सकता है। यस, अगर आपका दिन बहुत अच्छा नहीं जा रहा हो तो मैं श्योर हूँ कि आज का ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको नॉलेज की भूख है तो आज इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करने वाले हैं और आज आप कुछ नया सीखने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड यस, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके CTR को बहुत ही अच्छा मैनेज करेगा सर्च रिजल्ट में। जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उस रिजल्ट्स में सबसे ज़्यादा किस पे क्लिक होता है? पहले, दूसरे, तीसरे पे। लेकिन इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद मैं श्योर हूँ कि अगर आप थर्ड नंबर पे भी हैं या फिर सेकंड नंबर पे भी हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले नंबर से आप ज़्यादा क्लिक्स पाएँ, जिससे आपकी CTR में ज़रूर इन्हेंसमेंट आएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, जब इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है सर्च रिजल्ट में तो आपकी SEO रैंकिंग में बूस्ट आती है, बहुत सारे कीवर्ड्स रिवील होंगे और आपकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो क्या है, कैसे होगा, सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे जंप करते हैं और देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होगी। ऑलराइट, तो आपके स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट है, इसके हम ब्लॉग वाले पेज पे हैं। अगर हम होम पेज पे जाएं तो कुछ इस तरह का लेआउट है, और अगर हम ब्लॉग वाले पेज पे जाएं तो कुछ इस तरह का लेआउट आ रहा है जो कि नॉर्मल पोस्ट लिस्ट है जहाँ पे हमारे सारे पोस्ट आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो देखिए पब्लिश्ड ऑन September 6 दिख रहा है, उसी मैनर में पब्लिश्ड ऑन September 5 है एंड पब्लिश्ड ऑन August 24 है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पे आ रहा है लास्ट अपडेट ऑन September 19। अब यहाँ पे देखिए मैंने September 19 को इस पोस्ट को अपडेट किया था। जैसे हम कोई भी पोस्ट अपडेट करेंगे तो यहाँ पे पब्लिश का डेट रिमूव हो जाएगा, वो बैकएंड से रिमूव नहीं होगा, गूगल को सब कुछ पता है। आगे हम चेक करेंगे कि गूगल के पास उस पोस्ट का कौन कौन सा डेटा है, रियल टाइम में चेकर टूल से मतलब चेक करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट ऑन सितंबर 19 शो कर रहा है, उसी मैनर में यहाँ पे देखिए पोस्ट का अपडेटेड डेट किसी भी यूज़र को दिखेगा। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सर्च रिजल्ट को इम्प्रूव करने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए सर्च रिजल्ट में आई डोंट नो किसका मैं सर्च करूँ और आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी सर्च समथिंग, जैसे मैं सर्च कर लूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर सैलरी, सिंपल कीवर्ड है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक डेट है 31 अगस्त, लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे अगर ये बंदा payscale.com जो भी है अगर ये पोस्ट अपडेट करता है तो यहाँ पे अपडेटेड ऑन और उसके बाद डेट शो करेगा, यानी कि रिच स्निपेट में आपका अपडेट डेट भी क्रॉल हो जाएगा, जिससे यूजर कोई भी देखेगा कि अरे ये पोस्ट तो अपडेटेड है तो वो इस रिजल्ट पे क्लिक करना चाहेगा क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है। और ये चीज़ बिलीव मी गूगल को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, गूगल बहुत ज़्यादा पसंद करता है अगर आप कंटेंट को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। सो यस, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे जब भी हम आर्टिकल को अपडेट करें तो कैसे एक अपडेटेड डेट को हम शो कर सकें। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे गूगल दोनों चीज़ें कंसीडर करता है, रखता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जो पोस्ट का पब्लिश डेट है वो डिलीट हो जाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेट मी शो यू, यहाँ पे हम सर्च करते हैं रिच स्निपेट टेस्टिंग टूल, सिंपली आप इस चीज़ को गूगल पे सर्च करिए और ये आपको गूगल की रिच स्निपेट टेस्टिंग का जो टूल है उसकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। आप देखिए यहाँ पे search.google.com, यानी कि गूगल का ही ये टूल है। सिंपली मैं इस पोस्ट का URL ले लेता हूँ जिसमें लास्ट अपडेटेड शो कर रहा है डेट, राइट, इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और टेस्ट URL पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे कुछ गूगल के चोचले हैं जिसे हमें अपडेट करना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट को हमें यहाँ पे ट्रेस करना है। वाओ, ये सारी चीज़ें अब हमें वीडियोस में भी डिस्कस करनी पड़ेंगी। ऑलराइट,
तो यहां पे थोड़ा सा समय लगेगा और गूगल रिच स्निपेट को टेस्ट करके बताएगा कि गूगल के पास इस पोस्ट का कौन कौन सा डेटा है, राइट। सिंपली हम यहां पे क्लिक करते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखिए, दो डेट है, एक डेट ऑफ पब्लिश्ड है, मैं इसे क्लोज करता हूँ, डेट ऑफ पब्लिश्ड है एंड डेट मॉडिफाइड है। देखिए मैंने 21 और जो आई थिंक अगस्त था, अगस्त में मैंने ये पोस्ट पब्लिश किया था और मैंने लास्ट मॉडिफाई किया इसे 19 और सितंबर में, 19 सितंबर। यानी कि गूगल के पास दोनों डेट पड़ा हुआ है और ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है। जब भी गूगल देखेगा कि आप अपने पोस्ट को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, तो गूगल एक बहुत अच्छे सिग्नल में, एक बहुत अच्छा, इसको आई डोंट नो व्हाट टू से, इसे एक बहुत अच्छा रैंकिंग सिग्नल मानेगा या फिर आपको कंसीडर करेगा सर्च रिजल्ट में। और सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा जब यहाँ पे अपडेटेड डेट आएगा, तो वो चीज़ आपको शो होने लगेगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है गूगल सर्च रिजल्ट स्निपेट में सेव होने में या फिर शो होने में, सम ऑफ केसेस में होता है, सम ऑफ केसेस में गूगल के बग की वजह से नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे जो बिगनर्स हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, जो चीज़ें इस चैनल पे मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ कंसीडर दैट आप उससे बिना कुछ सोचे समझे अपनी वेबसाइट में अपडेट करते रहिए, क्योंकि एक फ्लो में आप सारी चीज़ें ना समझते हुए भी करेंगे, कुछ चीज़ें गलत नहीं होने वाली है। क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने से पहले, कोई भी वीडियो शूट करने से पहले, बहुत सारी चीज़ें मैं टेस्ट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा बकवास हो गया। अब इस चीज़ को हम कैसे अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेंगे? सिंपल सा, आपको 10 लाइन का कोड डालना है अपने function.php में, आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसे हम करते हैं टेकी ड्राइवर वाले पेज पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम टेकी ड्राइवर वाले वेबसाइट पे ही हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सितंबर 8 को ये चीज़ पब्लिश हुआ था, आनंद ने पब्लिश किया था। इसी वेबसाइट पे हम क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सिंपली हम आ जाएंगे डैशबोर्ड में और थीम एडिटर में आ जाएंगे। यार देखो, ये सारी चीज़ों के प्लगइन्स आते हैं, आप प्लगइन से एक सेकेंड में कर लेंगे, और मैं समझता हूँ प्लगइन बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाता है, और करता भी है तो बहुत सारे एडिशनल रिक्वेस्ट आ जाती है आपकी वेबसाइट पे, जो आपकी वेबसाइट को स्लो करता है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें मैं बिना प्लगइन का आपको करने को सिखा रहा हूँ। और अगर आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, या फिर आप मेरे इस एफर्ट को अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ये नंबर अभी बहुत कम है, कुछ 16,000 सब्सक्राइबर हैं, जल्दी से 20,000 कराओ यार, मतलब। ऑलराइट, यहाँ पे function.php पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे function.php पे, वैसे आप आ जाएंगे इस पेज पे। सिंपली आपको कुछ कोड मिल जाएगा, वो कोड आपको पेस्ट कर देना है अपने function.php पे। सिंपली ये चीज़ मैंने कॉपी कर लिया। ये चीज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पोस्ट मिल जाएगा, उस पोस्ट पे आप जाएंगे तो ये कंटेंट आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं वीडियो में बकवास बहुत करता हूँ, बट आई फील कि बाय दिस वे आई यूजुअली इंट्रैक्ट पीपल। मैं अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ, और अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे, मैं वीडियो ऐसा बना दूं कि आज के वीडियो में मैं लास्ट पोस्ट अपडेट डेट शो कराना चाहता हूं, ये कोड ले आके डाल दो, आपका काम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मिसिंग रह जाती हैं। और मैं इस तरह से वीडियोस नहीं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूं उसके बारे में अच्छे से एलिब्रेट कर दूं, आपके माइंड से सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। नहीं तो यार देखो, मेरे को स्पाइन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बैठना मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस लंबे हों और सारी चीज़ें आप समझो। तो इसी बात पे एक लाइक कर दो, क्योंकि लाइक्स भी देखने में अच्छे लगते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम नीचे पेस्ट कर देंगे एकदम लास्ट में आके। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको अपडेट फाइल पे क्लिक करना है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं टेकी ड्राइवर के इस वेबसाइट के होम पेज पे, और जैसे हम विजिट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे पब्लिश्ड ऑन शो कर रहा है। लेट मी क्लियर इट, मुझे कैश क्लियर करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो कैश प्लगइन होती है, बहुत सारी चीज़ें इतनी कन्फ्लिक्ट कर देती है कि हमें समझ ही नहीं आता है। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, हम किसी भी पोस्ट को यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम
एडिट करने से पहले एक चीज बता दूं, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ये स्टार आइकन्स यहाँ पे शो करेंगे और कोई भी आपके पोस्ट को रेट कर पाएगा। एंड नॉट जस्ट रेट माई फ्रेंड, कोई भी गूगल में सर्च करेगा तो सर्च रिजल्ट से पहले स्टार दिखेगा, इसके वजह से आपकी वेबसाइट का CTR बहुत अच्छा मैनेज होगा। सोचिए, 2-3 रिजल्ट्स हो रहे हैं वहाँ पे, एक पोस्ट में स्टार्स हो रहा है कि इतने लोगों ने इसे 5-star रेटिंग दिया है या फिर रेट किया है, तो कहीं ना कहीं उस पर क्लिक्स ज़्यादा आते हैं। एंड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ एक बहुत अच्छा सिग्नल है, गूगल बहुत अच्छा कंसीडर करेगा अगर आपकी वेबसाइट नीचे है फिर भी उस पर क्लिक्स ज़्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रैंकिंग है वो सुधरने लगेगी। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे इस पोस्ट का अपडेट डेट मैनेज करने का। ऑलराइट, इसे हम एडिट करते हैं और बेसिकली ये डमी पोस्ट है। यहाँ पे प्लगइन्स टॉप 10 प्लगइन है, सिंपली हम आते हैं यहाँ पे कर देते हैं टॉप 20 प्लगइन्स, और यहाँ पे कुछ बेसिक चेंजेस, एक और डॉट लगा देता हूँ और इसे हम अपडेट करते हैं। जैसे हम अपडेट करेंगे और हम जाएंगे इस पोस्ट पे, आई बिलीव यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेटेड ऑन, दोनों डेटा यहाँ पे आ गया, मतलब कि हमने पब्लिश किया वो डेटा तो बैकएंड में है ही, जो यूज़र को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अपडेटेड डेट आ रहा है, अगर मैं होम पेज पे जाऊँ, जस्ट लुक एट इट, यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट ऑन October 1, यानी कि आज का डेट आ रहा है। बाय द वे, आज October 1 है, आई डोंट नो ये वीडियो कब तक लाइव होगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, तो बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने में चली जाती हैं बहुत सारा टाइम, और ऐसे में मैं आपको वीडियोस जल्दी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें एक रिसर्च के बाद ही निकल पाती हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे देखें अपडेटेड डेट को हम क्या किए, शो कर दिए बहुत ही आसानी से। आई थिंक वीडियो का लेंथ 12 मिनट तक चला गया है, और अगर इसे मैं शॉर्ट करता तो शायद 2-3 मिनट में हो जाता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला है देन हिट द लाइक बटन, एंड यार नीचे कमेंट करके बताया करो, वो कमेंट्स पढ़ने में और उसको रिप्लाई करने में बहुत मज़ा आता है। समटाइम रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कमेंट मॉडरेटर मेरे पास नहीं है कोई, जिससे जो लोगों को रिप्लाई कर सके, और मेरे पास उतना समय नहीं होता है, बट फिर भी जिनके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं उनको मैं रिप्लाई डेफिनेटली कर देता हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वन मोर थिंग, इसे इम्प्लीमेंट कर लेना, इसका कोई लॉस नहीं है, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ, कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। ऑलराइट, सो यस, आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने पोस्ट पे हम ये स्टार रेटिंग जैसा कुछ दिखा सकते हैं, नॉट जस्ट पोस्ट, आप इसे सर्च रिजल्ट में भी दिखा सकते हैं, शायद आपने देखा भी होगा। सो यस, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी डिजाइनिंग।